देखो हैंड रिटन शीट नंबर 82 हम कर रहे थे, जिसमें एनर्जी के कुछ एग्जांपल थे। ओपन कर सकते हो, आपको मिली हुई है, लास्ट टाइम की शीट है। 82 शीट में ये एग्जांपल हमने कर लिया था, नेक्स्ट एग्जांपल भी हमने कर लिया, इसके नेक्स्ट एग्जांपल भी हमने कर लिया था। एंड इस शीट में ना सबसे पहले एंड में जाओ, बिल्कुल एंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है रॉड फॉल्स वाला। इस क्वेश्चन को प्लीज एक बार देखो, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? अ रॉड फॉल्स ऑन अ ग्राउंड विद इट्स बॉटम फिक्स्ड। एक रॉड मैंने ग्राउंड के ऊपर कुछ इस तरीके से, ये ग्राउंड है तो एक रॉड ये रही, यहां से मैंने हिंज कर दिया इसे, सच दैट ये घूम तो सकती है पर अपनी जगह नहीं छोड़ सकती। तो एक्सिस क्या होगा इसका? ये तो दिस इज द एक्सिस, इसके बोर्ड के अंदर इसका एक्सिस है। तो इस एक्सिस के अबाउट रॉड क्या कर रही है? जमीन पे गिर रही है, ग्राउंड पे गिर रही है, तो ये ग्राउंड पे गिर जाती है। तो पहले ये खड़ी हुई है, एल लेंथ की रॉड है, और ये ग्राउंड पे घूम घूमती हुई गिर जाती है। तो कितने लोग इसमें ये कहते हैं दिस इज अ केस ऑफ रोलिंग, और कितने लोग बोलते हैं कि ये प्योर रोटेशन है? ये रोलिंग नहीं होगा। रोलिंग कब माना जाएगा? ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, उसको रोलिंग बोलते हैं। ओके देखो, रोलिंग का इसमें कोई चांस नहीं है वैसे भी, क्योंकि स्फेयर में रोलिंग होती है, आप इसमें रॉड में, उसमें रिंग में रोलिंग करते हो, डिस्क में रोलिंग करते हो, रॉड में रोलिंग तो नहीं बोलते, रॉड रोल नहीं करती। बट हाँ, अगर सेंटर ऑफ मास मूव करता है, हम बोल सकते हैं कि ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन का कॉम्बिनेशन है, हम बोल सकते हैं। लेकिन इसमें इस एक्सिस के अबाउट रॉड घूमती जा रही है, एक ही इस ये फिक्स है ना, इसके अबाउट रॉड घूमती जा रही है, तो मेरे हिसाब से मैं इसको प्योर रोटेशन देखता हूँ। ये रोटेट कर अपनी जगह जगह तो नहीं छोड़ रही ना, ये तो नहीं हो रहा, घूमती 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 इस तरफ आगे की तरफ जाए, सच सेंटर ऑफ मास भी आगे जा रहा है और घूम भी रहे हैं पार्टिकल, तो ऐसा तो नहीं हो रहा। तो बेसिकली ये प्योर रोटेशन ही है, एक ही फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रॉड घूमती जा रही है। सेकंड क्वेश्चन, एक्सिस कहां पे होगा? यहां पे होगा। इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ एनर्जी का क्या होगा रॉड का? एमएल स्क्वायर बाय 3। बहुत बार समझाया कि रॉड के सेंट्रल एक्सिस पे एमएल स्क्वायर बाय 12 और रॉड के टेंजेंट एक्सिस पे एमएल स्क्वायर बाय 3। कोई डाउट इसमें? ये भी क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, जब रॉड यहां पर रुकी हुई है, ये रही यहां पर, तो रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां पर है? रॉड के सेंटर पे। और लेंथ अगर एल है तो ये हाइट क्या होगी? एल बाय 2। तो यहां पर इसके पास टोटल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल कितनी है? एम जी इंटू एल बाय 2। हमने वर्क एनर्जी पार में किया था, चेन वाले क्वेश्चंस बताए थे मैंने कि अगर रॉड इस तरीके से ग्राउंड पे खड़ी हो तो उसका मास यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, हर जगह है। हर एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट है, पर हम इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, पर हम इसको अवॉइड करने के लिए वी यूज सेंटर ऑफ मास। हम कहते हैं सारा का सारा मास ही कहां पर है? सेंटर पे है। सेंटर से ये डिस्टेंस कितना है? एल बाई 2 है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर कितनी है? एम जी इंटू एल बाई 2 है। कोई डाउट इसमें? तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहां पर एम जी इंटू एल बाई 2 है। अच्छा बोलो, यहां पर ये रेस्ट पे है, तो सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जीरो। रेस्ट पे अभी पड़ी हुई। घूमने की एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जीरो, क्योंकि घूम ही नहीं रही, बस खड़ी हुई है। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी है इसके पास? पोटेंशियल, एम जी इंटू एल बाई 2। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, जब ये रिलीज कर दी गई और नीचे आ रही है तो प्योर रोटेशन हो रही है इस एक्सिस के अबाउट, और तो कुछ नहीं हो रहा। तो मान लो प्योर रोटेशन में ये ओमेगा के साथ नीचे आ रही है, इसका घूमने की जो स्पीड है, एंगुलर स्पीड, दैट इज ओमेगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट जब ये रोटेट कर रही है तो एनर्जी क्या होगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, फिर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा इज द स्पीड ऑफ रोटेशन। तो ये स्टेप क्लियर है यहां तक? तो बेसिकली, और हाँ, जब ये ग्राउंड पे आएगी तो इसमें हाफ एम वी स्क्वायर लेंगे नहीं, क्योंकि पॉइंट फिक्स्ड है, प्योर रोटेशन का केस है, तो ट्रांसलेशन का कोई केस नहीं है, प्योर रोटेशन है। तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है जब रॉड नीचे आ रही है, और वो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी से क्या हो रहा है? इंक्रीज इन रोटेशनल कंपोनेंट।
काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एक एनर्जी कम होगी तो दूसरी एनर्जी बढ़ेगी, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, मैं इन्हें क्या कर लेता हूँ, इक्वेट, मैंने इन्हें इक्वेट किया, तो आई की जगह क्या पुट करेंगे, एम एल स्क्वायर बाय थ्री, और एल से एक एल कैंसिल भी होगा, एम से एम कैंसिल होगा, तो सॉल्व करके ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ थ्री जी बाय एल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी रॉड स्टेशनरी और नीचे रोटेट करेगी और नीचे गिरेगी, जब उसका एक्सिस क्या होगा, फिक्स्ड, तो आप ओमेगा की वैल्यू क्या निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ थ्री जी बाय एल। कोई डाउट इसमें, ये स्टेप समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? एक तो ये ऑब्जेक्टिव या कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ओमेगा निकालो। फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा कि जब ये रॉड यहाँ पर थी, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर था, जब ये रॉड यहाँ पे आ गई, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे गिर गया, तो सेंटर ऑफ मास किस में घूम रहा है, ना सर्कल पर, कितने रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, इन रेडियस ऑफ एल बाई टू, एल नहीं एल बाई टू रेडियस में घूम रहा है, तो सेंटर ऑफ मास हिट करेगा ग्राउंड को विद सम वेलोसिटी वी। अब आप एक चीज देखो ना, अगर ये सर्कल इमेजिन करो, मैं ड्रॉ करता हूं, तो ये वेलोसिटी क्या मानी जाती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, और सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, रेडियस क्या इसमें एल बाई टू। तो क्वेश्चन है कि सेंटर ऑफ मास कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा, तो क्या यूज करेंगे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर की जगह एल बाई टू इन टू ओमेगा। कोई डाउट इसमें? तो ओमेगा हम निकाल चुके हैं, एल को अंडर रूट के अंदर लेके जाएंगे, एल का स्क्वायर आएगा, एक एल से एल कैंसिल, तो आपके पास ये आंसर आएगा। तो ये वेलोसिटी आएगी जिससे कि सेंटर ऑफ मास ग्राउंड को क्या करेगा, हिट करेगा, तो दूसरा आंसर भी आ गया। हो सकता है वो आपको एक और क्वेश्चन पूछ ले, वो क्या कि रॉड का जो कोने का पॉइंट है, ये वाला वन नंबर पॉइंट, ये भी तो ग्राउंड को हिट कर रहा है, तो जो वन नंबर पॉइंट है ये अपने सर्कल में घूम रहा है जिसका रेडियस क्या लिया जाएगा, एल। तो वो कह रहा है कि अब इसकी वेलोसिटी बताओ कि जो वन नंबर पॉइंट है ये किस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा। तो वन नंबर पॉइंट बिल्कुल कोने का पॉइंट है, तो उसका रेडियस क्या लेंगे, एल। कॉन्सेप्ट वही है, अब हम वी को क्या यूज करेंगे, वी इज इक्वल टू एल ओमेगा, तो v इज इक्वल टू एल ओमेगा में ओमेगा को वही सेम पुट करेंगे, क्योंकि हर पार्टिकल का ओमेगा क्या रखते हैं, सेम। तो l को अंडर रूट के अंदर ले गए, l का स्क्वायर, l से l कैंसिल, आंसर आ गया अंडर रूट ऑफ 3gl। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, कंसीडर अ मीटर स्टिक। मीटर स्टिक क्या होता है, जिसकी लेंथ 1 मीटर है, और आपसे पूछा जाता है v, तो लेंथ जब 1 पुट करते हैं अंडर रूट ऑफ 3g आंसर हो जाता है। जस्ट वो तो लेंथ जो भी देगा वो पुट कर लेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि अगर रॉड नीचे गिरेगी तो कैसे करना है। फिर इस ऑब्जेक्टिव को, इस क्वेश्चन को फिर किसी ने चेंज कर दिया, मोल्ड कर दिया। वो कह रहा है मेरे को जमीन पे नीचे गिरना ही नहीं रॉड को, मेरे को थीटा एंगल घुमाना है। अब बताओ, वो कह रहा है कि जब मैं रॉड यहाँ पर थी, नीचे गिरने का क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व, रॉड अभी सिर्फ थीटा एंगल पे ही थी, अभी गिर रही थी, ये स्नैपशॉट खींची है मैंने, जब एंगल कवर्ड थीटा है, तो अब बताओ कि इसमें रोटेशन का ओमेगा क्या होगा। रूल वही लगेगा, चाहे उसको पूरा गिर लो, चाहे उसका इंस्टेंटेनियस पोजीशन ले लो, एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व। तो यहाँ पर जब सेंटर ऑफ मास था, सेंटर ऑफ मास की हाइट ग्राउंड से कितनी थी, एल बाई टू, जब ये थीटा हो गया तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा नीचे गिर गया, देखो, क्योंकि घूमते घूमते सेंटर ऑफ मास नीचे आ गया, ठीक। सेंटर ऑफ मास की हाइट ग्राउंड से निकाल लेते हैं, सेंटर ऑफ मास रॉड के रहेगा तो सेंटर पे ही, तो ये लेंथ अगर एल बाई टू है तो ये लेंथ भी एल बाई टू है। अगर ये L by 2 है, ये थीटा है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये लेंथ क्या जाएगा, L by 2 cos थीटा, तो L by 2 cos थीटा। तो ये बताओ कि सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस नीचे आ गया, यहां से यहां नीचे आ गया, मींस वर्टिकल हाइट कितनी है, ये हाइट है, तो ये डिस्टेंस कितना है, L by 2, इसमें से क्या माइनस करेंगे, L by 2 cos थीटा, तो क्या आएगा, L by 2 minus L by 2 cos थीटा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो इस पॉइंट पर जब रॉड थी तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक, बिकॉज इट्स अ केस ऑफ प्योर रोटेशन, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का सम इस पे और वन और टू पॉइंट पे एग्जैक्टली क्या रहेगा, सेम। तो वन पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, एम जी इंटू एल बाई टू, ये स्टेप क्लियर है, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, जीरो, क्योंकि बॉडी घूम ही नहीं रही थी। जब वो यहाँ पे आ गया तो हाइट क्या है, एम जी इंटू एल बाई टू कॉस थीटा, हमने तो ग्राउंड को इसको मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, अगर ग्राउंड ये मान लिया तो अब नई एनर्जी पोटेंशियल कितनी है, एम जी इंटू एल बाई टू कॉस थीटा, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगर रॉड पूरी तरह नीचे गिर जाती तो ये टर्म क्या हो जाती, जीरो, अगर नहीं गिरी तो फिर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई की वैल्यू क्या पुट करेंगे, एम एल स्क्वायर बाय थ्री, तो यहाँ से एम जी इंटू एल बाई टू,
एम जी इंटू एल बाई टू कॉस थीटा, आई की जगह एम एल स्क्वायर बाई थ्री, तो कॉस एम जी इंटू एल बाई टू कॉस थीटा वाली टर्म को इस तरफ ले आते हैं, तो एम जी इंटू एल बाई टू कॉमन, तो एम जी इंटू एल बाई टू कॉमन, तो क्या बचेगा, वन माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर टू इंटू थ्री सिक्स, तो एम से एम क्या होगा, कैंसल, कैंसल करके आपके पास ये टर्म आ गई, ये टर्म आ गई, जिसमें वन माइनस कॉस थीटा की रिक्वायरमेंट है, पर ऑब्जेक्टिव ऑप्शन में आपको वन माइनस कॉस थीटा नहीं मिलेगा। मेडिकल के लोग देख ले, मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है, कॉस टू थीटा इज वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, या ऐसे कर लो, वन माइनस कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा को राइट पे ले जाएं और टू साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएं, तो ये टर्म आ जाती है। तो मेडिकल के लोग देखें कि अगर ये एंगल टू थीटा था तो ये थीटा हो जाएगा, हाफ एंगल हो जाता है, तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल थीटा बाय टू हो जाएगा, तो वन माइनस कॉस थीटा को मैथ्स में लिखा जाता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। अब टू से टू कैंसल, एल से एल कैंसल, सॉल्व करके ये टर्म आएगी, ओमेगा स्क्वायर एक तरफ, ये टर्म एक तरफ, ओमेगा का अंडर रूट लेंगे, तो ऑप्शन, ये ऑप्शन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा और आपको मार्क करना है। बट कैसे किया ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक, कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि आपने एनर्जी को कंजर्व करना है वन और टू पॉइंट पर, उसके बाद फिर अपना मैथ्स है जो आप लगेगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, एक क्वेश्चन इस शीट में सर्कुलर मोशन का डल गया, इसी शीट में ऊपर की तरफ, ये क्वेश्चन है, प्लीज ये क्वेश्चन है, इस पे लिख लो फ्रॉम सर्कुलर मोशन, इस क्वेश्चन के साइड पे लिख लो, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम सर्कुलर मोशन, बट डालने वाले का पूरा राइट है डालना, क्योंकि सर्कुलर भी कर लिया और रोटेशनल भी कर लिया, उसकी मर्जी, वो सर्कुलर में अगर देना चाहता है तो पॉइंट मास पे काम करवाएगा, और अगर रोटेशनल में देना चाहता है फिर रिंग डिस्क या स्फीयर होना चाहिए, तो ठीक है, उसकी मर्जी है, पॉइंट मास पे देना चाहे पॉइंट मास पे दे। तो क्वेश्चन पढ़ना, मास एम इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ द वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर। अब मास एम का मतलब पॉइंट मास है, और जब पॉइंट मास है तो ऑब्वियसली भी रोटेशनल में रिंग डिस्क होता है, तो पॉइंट मास है तो सर्कल के कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एक हेमिस्फेयर के ऊपर एक पॉइंट मास है, और हमने उसको वी नॉट वेलोसिटी दी इनिशियली और उसको रिलीज किया, वो हेमिस्फेयर की सरफेस के साथ साथ नीचे आएगा। आपको इसमें बताना है कि एंगल थीटा बताओ विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल जब वो कॉन्टैक्ट को लूज कर देगा ट्रैक के साथ। कैसे? ये आपके पास एक हेमिस्फेयर है, हमने वैसे ये क्वेश्चन सेम सर्कुलर में किया हुआ है, वैसे आप शीट चेक करो सर्कुलर की, उसमें मिलेगा आपको। तो अगर ये एक हेमिस्फेयर है, इसके ऊपर एक पॉइंट मास है,
कोई भी एक जिसकी शेप से लेना देना नहीं है, इसको वी नॉट वेलोसिटी दी और ये नीचे नीचे स्लाइड करता हुआ नीचे आ रहा है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये टेंजेंशली हवा में आ जाएगा और कॉन्टैक्ट क्या कर देगा, लूज कर देगा। तो आपको बताना है कि वर्टिकल के साथ ये एंगल कितना बनाएगा, लेट अस सपोज थीटा एंगल बनाएगा, आपको थीटा निकालना है। तो कॉन्सेप्ट इसमें यही लगेगा कि जब ये यहां पर है इसकी वेलोसिटी वी नॉट है, और जब ये कॉन्टैक्ट लूज करेगा, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी वी है क्योंकि हमने इसको अपने मन से माना वी, तो हम इसे क्या कर देंगे, इलिमिनेट भी करेंगे। तो मान लेते हैं अभी इसकी वेलोसिटी वी है, और जब भी कोई बॉडी सर्कल में घूम रही है तो इसका वेट क्या है, एम जी, थीटा थीटा अल्टरनेट, एम जी का कॉम्पोनेंट एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा, क्योंकि ये अभी तक सर्कल में घूम रहा था। सर्कल में घूमने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए, सेंट्रीपेटल, और सेंट्रीपेटल कहां करेगी, टुवर्ड्स सेंटर, और कौन सी फोर्स टुवर्ड्स सेंटर है, एम जी कॉस थीटा, और ऑपोजिट में कौन है, एन। तो नेट फोर्स कितनी है, एम जी कॉस थीटा माइनस एन, एंड दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। इक्वेशन क्लियर है। जब ये बॉडी कॉन्टैक्ट लूज करेगी, कॉन्टैक्ट लूज करने का मतलब नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा उसका, जीरो। तो एन को जीरो पुट करेंगे यहां पे, तो ये टर्म आएगी, एम से एम कैंसिल, तो यहां से वी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो हमें ये पता लगा कि यहां पर जब कॉन्टैक्ट लूज होगा उस टाइम उसकी वेलोसिटी वी क्या होगी। बट एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन है यूज करेगा एनर्जी कंजर्वेशन का, जिसके अंदर इस पॉइंट पर टोटल सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, रोटेशनल तो इसमें होगी नहीं, ट्रांसलेशन ही होगी, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, और इस पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक का सम विल बी सेम। तो यहां पर अगर हम इसे ग्राउंड मान लेते हैं एक मिनट के लिए, तो ये अगर रेडियस आर है, आर है, ये भी रेडियस आर है, ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल 90 है, तो अगर ये आर है तो ये डिस्टेंस क्या होगा, आर कॉस थीटा। तो अगर ये आर कॉस थीटा है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, आर माइनस आर कॉस थीटा, ये रहा। ठीक, तो आपको ये पता लग गया कि ये ब्लॉक कितनी हाइट नीचे आ गया, आर माइनस आर कॉस थीटा। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर वन पर पोटेंशियल एंड काइनेटिक का सम, पॉइंट नंबर टू पे पोटेंशियल एंड काइनेटिक का सम हमेशा क्या रहेगा, सेम। वर्क पर एनर्जी एंड सर्कुलर में करते क्या थे, यही तो करते थे हर क्वेश्चन में। तो एक काम करते हैं, वन पॉइंट पर पोटेंशियल बोलो क्या होगी, इसे ग्राउंड मान के, एम जी इंटू एच, और एच की जगह आर माइनस आर कॉस थीटा। तो ये स्टेप क्लियर है। काइनेटिक एनर्जी बोलो वन पॉइंट पर क्या होगी, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगी, क्योंकि ये ग्राउंड के ऊपर आ चुका है, तो जीरो, और काइनेटिक में हाफ एम वी स्क्वायर। इस वी स्क्वायर की वैल्यू को जी आर कॉस थीटा को यहां पर पुट कर देते हैं इसकी जगह, तो जी आर कॉस थीटा को वी स्क्वायर की जगह पुट करेंगे तो ये टर्म आएगी, एम 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 क्या हो जाएगा, कैंसल। इसे सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करके कॉस थीटा वाली टर्म्स एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, तो ये टर्म आएगी 1 प्लस 1 बाई 2 3 बाई 2 होगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो आपके पास ये टर्म आएगी, और सॉल्व करके कॉस थीटा कैन बी कैलकुलेटेड, कॉस थीटा ये आएगा, तो थीटा क्या आएगा, कॉस इनवर्स, ये टर्म आ जाएगी। मेडिकल में हो सकता है इतना बड़ा ना आए, मेडिकल वालों को सर्कुलर मोशन में नॉर्मल, क्योंकि नॉन मेडिकल का क्वेश्चन है वैसे ये, मेडिकल वालों को सेम क्वेश्चन करवाए हुए सर्कुलर में, उनको ये करवाया था कि यहाँ पर वेलोसिटी इनिशियल जीरो थी, जीरो, तो बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम है, बस थोड़ी कैलकुलेशन उससे इजी हो जाती है, क्योंकि एक टर्म बिल्कुल ही हाफ एम वी नॉट स्क्वायर जीरो होने की वजह से सर्कुलर मोशन की शीट को चेक करना या वर्क पार की शीट को चेक करना, उसमें वी नॉट जीरो करते हुए आंसर था कॉस इनवर्स 2/3, मुझे अच्छे से याद है, सेम आंसर था। तो उसमें थोड़ा कैलकुलेशन वाइज इजी हो जाता है, पर कॉन्सेप्ट वाइज आपको करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। समझ में आ रहा है, कोई डाउट इसमें? ठीक, तो ये शीट नंबर 82 यहां पर क्लोज करते हैं। इसके बाद शीट नंबर 83 होगी, चेक करो, यही है नेक्स्ट, यहीं से कंटिन्यू हो रही है ना। ठीक, शीट नंबर 83 रोलिंग मोशन एंड फ्रिक्शन की डिस्कशन करती है, और शीट नंबर 84 एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को करती है। तो एक बार प्लीज इस शीट को भी जरा देखना, इसके ऊपर नंबरिंग डालो, शीट नंबर 84, दिस इज शीट नंबर 84। ठीक है, तो हम फ्रिक्शन वाला काम नेक्स्ट टाइम करेंगे, क्योंकि लंबा काम है, पूरा लेक्चर लगेगा, लंबा टाइम चाहिए उसको करने के लिए। आज हम थोड़ा छोटा काम करते हैं, और शीट नंबर 84
फोर से करते हैं, इजी है। और एक इसमें फायदा ये होगा, अगर आपको याद हो हमने रोटेशनल जब स्टार्ट किया था तो टॉर्क से स्टार्ट किया था, और उस टॉर्क के पूरे लेक्चर में एक ही चीज समझ में आई थी कि अगर कभी भी टॉर्क निकाल लें तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, बस यही फॉर्मूला सबसे काम का फॉर्मूला है। आप का जो अब बचा हुआ लेक्चर है बस आप बिल्कुल सेम समझो, एग्जैक्टली सेम है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की तरह चलेगा, और बस फर्क ये है कि अब टॉर्क नहीं निकलेगा, अब क्या निकलेगा, एंगुलर मोमेंटम निकलेगा। तो एंगुलर मोमेंटम वैसे डिफाइन करना हो तो इट इज द अमाउंट ऑफ एंगुलर मोशन पोजेस बाय द बॉडी, और इसके दो फॉर्मूलाज हम करेंगे। पहला फॉर्मूला टॉर्क की तरह, क्योंकि हमने टॉर्क के भी दो फॉर्मूलाज किए थे, इसमें भी एंगुलर मोमेंटम के दो फॉर्मूलाज करेंगे। उनमें से पहला फॉर्मूला, अगर कोई बॉडी सर्कल में घूम रही है या रोटेट कर रही है और मान लो उस बॉडी का ये लीनियर मोमेंटम है पी वेक्टर और एक्सिस से इसका डिस्टेंस है आर, तो एक्सिस से आर वेक्टर, आर और लीनियर मोमेंटम पी में एंगल कितना फाई, तो एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इज गिवन बाय आर क्रॉस पी। आपको अगर टॉर्क से कैसे लेना देना, आप इमेजिन करो अगर मैं टॉर्क का लेक्चर दे रहा होता तो पी की जगह क्या लगाता, एफ, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या बन जाता, आर क्रॉस एफ। कुछ नहीं करना इस पूरे लेक्चर में, एफ की जगह बस पी बोलते जाना है, अपने आप ही एंगुलर मोमेंटम बनता जाएगा। और फायदा, टॉर्क में हम फोर्स यूज करते थे और न्यूटन ने क्या कहा था, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम भी होता है। तो अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है तो लीनियर मोमेंटम भी इस डायरेक्शन में होगा, कॉन्सेप्ट सेम ही लगेगा, बस एफ की जगह पी बोलते जाएंगे। तो एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला समझ में आया, तो एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला आर क्रॉस पी, या फिर ओपन करेंगे तो आर पी साइन फाई, वेयर फाई इज एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड पी वेक्टर, कोई डाउट इसमें। फिर अगर आपको याद हो तो टॉर्क के अंदर भी ऐसे कई डायग्राम हमने बनाए थे, इसमें कई नहीं बनाएंगे, इसमें एक ही बनाएंगे क्योंकि हमने टॉर्क किया हुआ है। शॉर्टकट सिखा रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम निकालने का, जैसे सपोज करो ये एक पॉइंट मास है, कोई भी बॉडी है आर डिस्टेंस पे, इस पे लीनियर मोमेंटम कितना लगा पी, और आर वेक्टर इस तरफ है, सच दैट आर एंड पी में एंगल कितना है फाई, तो सबको पता है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आर पी साइन फाई, फॉर्मूला याद करना है। पर एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट ये है कि अगर आप इसको पीछे की तरफ पी वेक्टर के एक्सिस को एक्सटेंड करें ठीक वैसे जैसे टॉर्क में एफ वेक्टर को एक्सटेंड किया करते थे, तो पी वेक्टर को पीछे की तरफ लेके आए एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर डी, तो इस केस में एल क्या है, आर पी साइन फाई, साइन फाई की वैल्यू को पुट किया जा सकता है डी डिवाइडेड बाय आर, आर से आर कैंसिल, तो क्या आएगा डी इंटू पी, यानी कि पी लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस। अगर आपको याद हो टॉर्क को भी ऐसी शॉर्टकट बनाया था, कैसे, टॉर्क में पी की जगह क्या लिखा था एफ, और एक शॉर्टकट क्या बना था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी फोर्स का एक्सिस, तो याद है एफ इंटू डी किया था तो वो टॉर्क निकालता था, इसमें एफ की जगह पी करेंगे, पी इंटू डी करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम होगा। क्या इस स्टेप समझ में आ रहे हैं, मतलब ये आपको करना नहीं है, सिर्फ समझना है कि टॉर्क निकालना है तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस, और अगर पी वेक्टर निकालना है, अगर एल वेक्टर निकालना है तो लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस, सेम चीज है। मैं लगा के दिखाता हूं फिर समझ में आएगा। जैसे टॉर्क के अंदर भी मैंने एग्जाम्पल नंबर वन यहीं से स्टार्ट किया था, मैंने कहा था कि मान लो एक पार्टिकल मूव कर रहा है जिसके ऊपर फोर्स इस तरफ लग रही है और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था एच, और मैंने टॉर्क निकालने को यहां से कहा था वो पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो, तो हमने क्या डिसाइड किया था, शॉर्टकट, शॉर्टकट क्या था, फोर्स, अब फोर्स का एक्सिस डॉट 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 ज्वाइन करेंगे तो ये आएगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे एक्सिस से कितना है उसका एच, तो शॉर्टकट क्या था एफ इंटू एच, इसमें फोर्स नहीं है इसमें पी है, तो एंगुलर मोमेंटम ओ पॉइंट के अबाउट क्या होगा पी, पी का ही एक्सिस है, तो अगर लीनियर मोमेंटम एक्स एक्सिस में है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा वाई में निकलेगा, तो लीनियर मोमेंटम पी, पी की वैल्यू कितनी है एम वी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है एच,
तो बिल्कुल सेम है, उसमें एफ इंटू एच है, इसमें पी इंटू एच है, कोई डाउट? इसमें प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की तरह ही एग्जैक्टली सेम चलता है। और मेथड नंबर टू भी है जो कि लोग करते नहीं है, पर भी बता देता हूँ कि अगर सेम क्वेश्चन है, पी गिवन है एम वी और ये एच गिवन है, तो हमने एंगुलर मोमेंटम ओ पॉइंट के अबाउट निकालना है ओरिजिन के अबाउट, तो ओरिजिन से आर ड्रॉ कर लो और मान लो आर और पी में एंगल फाई है। अगर ये फाई है तो ये भी फाई है कॉरस्पॉन्डिंग से, तो अगर कोई ये फॉर्मूला यूज करना चाहता है आर पी साइन फाई, तो साइन फाई की वैल्यू यहाँ से एच बाई आर पुट करेगा, आर से आर कैंसिल, आंसर सेम आएगा। पर मेथड नंबर टू करने की जरूरत क्या है, जब मेथड नंबर वन ही ईजी और देखते ही पता लगता है कि एंगुलर मोमेंटम यहाँ से क्या होगा पी इंटू एच, तो आंसर। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसी आएगी इस पे, एंगुलर मोमेंटम पे ऐसी आएगी जो आती है कॉम्पिटिशन में, क्या कि आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है इस पॉइंट मास का अबाउट पॉइंट ओ, ओ के अबाउट, और कब, जब पार्टिकल इज एट हाईएस्ट पॉइंट। तो जब भी ये पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे होगा आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है। एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए आपको पहले लीनियर मोमेंटम निकालना पड़ेगा। लीनियर मोमेंटम पी क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इस पॉइंट मास का एम है, और हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल में नहीं हुआ करती, कौन सी होती है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कितनी है एमवी कॉस थीटा। तो लीनियर मोमेंटम क्या हुआ, एम इंटू वी कॉस थीटा, और डायरेक्शन कहां पर हुई, इस तरफ। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट लगा के एमवी कॉस थीटा। अब मेरे को एंगुलर मोमेंटम ओ के अबाउट निकालना है, तो ये बताओ लीनियर मोमेंटम कहां पर है, एक्स एक्सिस में, इसका डॉट 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 ज्वाइन करेंगे तो मेरे इस एक्सिस के अबाउट इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगा, ये बनेगा, और ये डिस्टेंस एग्जैक्टली किसके इक्वल है, मैक्सिमम हाइट, ये भी और ये भी सेम है। तो फोर्थ लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसका एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, लीनियर मोमेंटम कितना है एमवी कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है एचएम, तो एल आ जाएगा अबाउट पॉइंट ओ, और मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल में क्या हुआ करती थी, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, आंसर। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, आपको कोई पॉइंट देगा, बस आपने कुछ नहीं करना, लीनियर मोमेंटम को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना है, तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल ही प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इसमें, कोई डाउट इसमें, क्लियर है? तो अब एक चीज और है इसमें, जैसे बिल्कुल आखिरी पेज पे आओ, पहले एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर, पहले ये टॉपिक करते हैं। जब हमने टॉर्क पढ़ा था ना, तो टॉर्क कैलकुलेट करने के हमने दो तरीके निकाले थे। पहला तरीका क्या था, आर एफ साइन फाई, यही तरीका था। एक और तरीका था, बोलो क्या, टॉर्क इज आई टाइम्स अल्फा, ये तरीका निकालने का शॉर्टकट बताया था, जैसे न्यूटन के लॉ में फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, यहां पर मास की जगह आई, ए की जगह अल्फा, तो वैसे इसको निकाल दिया। एंगुलर मोमेंटम निकालने के भी दो फॉर्मूलाज हैं, पहला फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम निकालने का बोलो क्या, आर पी साइन फाई, और दूसरा एक और तरीका, जो लीनियर मोमेंटम होता है लीनियर मोशन में, वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, कंपेयर करें पी की जगह एल, एम की जगह आई, वी की जगह लो, एक और फॉर्मूला बन गया एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो दो फॉर्मूलाज के साथ काम कर सकते हैं, जैसे टॉर्क दो फॉर्मूलाज के साथ काम करता है, एंगुलर मोमेंटम भी दो फॉर्मूलाज के साथ काम करता है, डिपेंड करता है किस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बड़ी आपको पता होना चाहिए। लेकिन हमें इसको ऐसे प्रूफ थोड़ा, अगर मान लो कोई पूछ ले कैसे आया एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, मैं कहूँ जैसे एम को आई पुट कर दो, ये कोई तरीका थोड़ी ना है। तो वैसे आपको याद करने का तरीका बताया मैंने, लीनियर को एंगुलर में कैसे कन्वर्ट करना है, एक्चुअल तरीका ये रहेगा। क्या, सपोज आपके पास कोई भी बॉडी है और वो घूम रही है अपने एक्सिस के ऊपर विद अ कांस्टेंट ओमेगा, हर पार्टिकल के लिए ओमेगा तो सेम ही रहेगा, तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं m1 m2 m3 अप टू mn, हर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 r2 r3 अप टू rn, हर कोई पार्टिकल की टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी v1 v2 v3 एंड vn, वेयर v कैन बी रिटन एज v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो v1 इज इक्वल टू r1 इनटू ओमेगा, v2 इज इक्वल टू r2 इनटू ओमेगा, ऐसे vn इज इक्वल टू rn इनटू
ओमेगा। तो इस केस में पी वन इज इक्वल टू एम वन इंटू, और लीनियर मोमेंटम क्या होगा इस पार्टिकल का, एम वन इंटू वी वन, लेकिन वी वन किसके इक्वल है, आर वन इंटू ओमेगा। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वी वन है उस डायरेक्शन में पी वन है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, जो कि क्या होगा आर वन। तो एंगुलर मोमेंटम इज आर वन इंटू पी वन, और पी वन की वैल्यू कितनी है, एम वन इंटू आर वन इंटू ओमेगा, मल्टीप्लाई करेंगे आर वन स्क्वायर एल वन आ गया। ऐसी सेकेंड पार्टिकल के लिए एम टू आर टू स्क्वायर ओमेगा सेम रहेगा, आखिरी पार्टिकल के लिए एम एन आर एन स्क्वायर ओमेगा सेम रहेगा। टोटल एंगुलर मोमेंटम इन्हें ऐड कर देते हैं, जब इन्हें ऐड करेंगे ओमेगा कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, एम वन आर वन स्क्वायर एम टू आर टू स्क्वायर एम एन आर एन स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे आई। तो ये प्रूव किया जा सकता है एल इज इक्वल टू आई टाइम्स ओमेगा, ये रिजल्ट एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है यहाँ तक। अब एल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैंने हर जगह वेक्टर लगाया था, एल की डायरेक्शन भी तो होती होगी, एल की डायरेक्शन सेम है जिस डायरेक्शन में टॉर्क लगता है। रीजन देखो, जैसे लॉज ऑफ मोशन में फोर्स क्या होता था, डी बाई डी टी ऑफ पी, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम है। इस चैप्टर में लगेगा फोर्स की जगह टॉर्क, डी बाई डी टी ऑफ पी की जगह एल, तो जिस डायरेक्शन में टॉर्क है उसी डायरेक्शन में एल वेक्टर है। जैसे एक वो एग्जांपल दिया था टॉर्क में, कोई बच्चा हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है ऐसे, तो कहाँ जाएगा ऊपर। तो मैंने दो तरीके बताए थे, एक आर क्रॉस पी वाला, जैसे ये आर वेक्टर है और मैंने फोर्स यहां लगाया, आर क्रॉस एफ वाला सॉरी, ये आर वेक्टर है, ये मैंने एफ वेक्टर लगाया इस तरफ, तो आर क्रॉस एफ करोगे तो थंब ऊपर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट से, तो हेलीकॉप्टर ऊपर आएगा। एक और तरीका बताया था, अगर हेलीकॉप्टर क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है, अपने चार फिंगर को ऐसे घुमाओ, थंब टॉर्क रिप्रेजेंट करता है। सेम है एल वेक्टर का भी सेम रूल है, अगर पंखा ऐसे घूम रहा है इसका, तो आप थंब जो जो चार फिंगर्स हैं उसको इसके साथ घुमाओ, ये एल वेक्टर देगा आपको, सिंपल। तो जो जो रूल्स टॉर्क की डायरेक्शन के लिए लगते हैं वही रूल्स एल वेक्टर के साथ भी लगते हैं। तो अभी इसको सीखने की जरूरत नहीं, जब क्वेश्चन लेके आऊंगा उसमें करके दिखाऊंगा, बट रूल सेम रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट का, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक, लगा के दिखाऊंगा बाद में, यहां तक क्लियर है। तो इन दोनों फॉर्मूलास के बेस पे आपके जो स्कूल के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन टॉर्क वेक्टर टाउ वेक्टर एंड एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर, तो ये प्रूव करना है एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी की तरह। इसमें क्या प्रूव करना है, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। ठीक, तो अगर कोई स्टूडेंट ये लिख के आएगा कि जैसे फोर्स इज डी पी बाई डी टी और वैसे ही फोर्स की जगह टॉर्क कर दें, पी की जगह एल कर दें, तो फिर वो नंबर ये लेके आएगा जीरो। तो बिल्कुल भी ना करना, तो ये मैंने नहीं सिखाया। ठीक, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। तो कैसे करना है, ये करके आना है, इंपॉर्टेंट मार्क करो इसे। तो इसके अंदर रिलेशन बिटवीन टॉर्क वेक्टर एंड एल वेक्टर के लिए हम एक काम करेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे एल वेक्टर का, एल वेक्टर इज आर क्रॉस पी। ये फॉर्मूला सबको क्लियर है? ठीक, ये तो पता ही है, फॉर्मूला यूज किया, दोनों तरफ से डिफरेंशिएट कर दो लेफ्ट एंड राइट, डी बाई डी टी डी बाई डी टी, ये भी क्लियर है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ गया, डी एल बाई डी टी। अब क्रॉस नहीं छोड़ना क्योंकि डायरेक्शन है इसमें, डिफरेंशिएशन में यू इंटू वी का फॉर्मूला किया था, एक बार डिफरेंशिएशन फर्स्ट टर्म की, सेकेंड टर्म क्रॉस पी को नहीं छेड़ना इसको एज इट इज, और एक बार डिफरेंशिएशन पी वेक्टर की और आर क्रॉस को नहीं छेड़ना, यानी कि एक बार पी बाहर एक बार आर बाहर, तो होगी डिफरेंशिएशन यू इंटू वी का फॉर्मूला। ठीक है यहां तक। तो डी आर बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर, डी पी बाई डी टी क्या होता है, न्यूटन के लॉ से फोर्स वेक्टर। अब एक काम करते हैं, पी वेक्टर को लिखते हैं मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर, एक वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो, ओपन करेंगे तो वी इनटू साइन जीरो, साइन जीरो जीरो होता है, तो उड़ गया। आर क्रॉस एफ क्या होता है, टॉर्क, तो प्रूव हो गया टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, डी एल बाय डी टी, तो हो जाएगा प्रूव ये। ठीक है यहां तक। ठीक, तो उसी तरीके से एक साइंटिस्ट केपलर, केपलर ने अपने तीन लॉज बताए, और तीन लॉज में दो लॉज अभी करेंगे, तीसरा लॉ ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर करेंगे, वो ग्रेविटेशन का ज्यादा पार्ट है। तो दो लॉज में से केपलर ने ये बताया, फर्स्ट लॉ ने ये से उसने ये बताया कि जो अर्थ है
या कोई भी प्लैनेट है सन के आसपास सर्कल में नहीं घूमता, इलिप्स में घूमता है, इलिप्स में, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा, ये पहला पॉइंट है उसका। और जो सन है वो इलिप्स के सेंटर पे बिल्कुल भी नहीं होगा, सेंटर और इस कॉर्नर के मिड पॉइंट पे होगा, यहाँ पे होगा। और मैथ्स में इलिप्स के सेंटर और इस पॉइंट के मिड पॉइंट को बोलते हैं फोकस, तो सन कहाँ पर होगा, इलिप्स के फोकस पे होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इलिप्स का फोकस क्या होता है, ये मेडिकल के लोग देख लें एक बार। अगर ये इलिप्स है, ये सेंटर है, ये कॉर्नर है, ये फोकस है, फोकस यहां भी होता है, फोकस यहां भी होता है, जहां मर्जी ज़ूम कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है यहां तक? तो पहला रूल समझ में आ गया, ये पहला लॉ है। दूसरा, उसने क्या, कैपलर्स सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ में उसने ये बताया कि अगर मान लो अर्थ या कोई भी बॉडी, कोई भी प्लैनेट सन के आसपास घूमता है, ये घूम रहा है, और मान लो कि अर्थ घूमते घूमते कुछ दिनों में यहां पे आ गई, टी टाइम में मान लो 15 दिनों में अर्थ घूमी और यहां पर आ गई, उसने एरिया सन के हिसाब से स्वीप कर दिया, मतलब अर्थ पहले यहां पर थी, अब अर्थ यहां पर आ गई, तो देख रहे हो ये एरिया स्वेप्ट, ये रहा मैंने शेड कर दिया, ये एरिया स्वेप्ट है टी टाइम में। फिर अर्थ घूमती गई, मान लो किसी पॉइंट पर फिर नोट किया कि अर्थ ने 15 दिन में या टी टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया, तो उसने एरिया इतना स्वीप किया। अगर टाइम दोनों पोर्शन में सेम है, एरिया स्वेप्ट भी सेम ही होगा, तो ये एरिया और ये वाला एरिया एग्जैक्टली सेम होगा। रिपीट करता हूं, जैसे ऑब्जर्वेशन है कि अगर यहां से अर्थ किसी इंस्टेंट पर यहां पर थी और 15 दिन के बाद यहां पर आ गई, ये एरिया स्वेप्ट है। फिर ऐसे घूमते घूमते यहां पे नोट किया 15 दिन में यहां से यहां आ गई, एरिया स्वेप्ट किया। तो जब टाइम सेम है तो एरिया स्वेप्ट भी हमेशा अर्थ सेम ही करेगी, तो ये सेकेंड लॉ ने बताया। और यानी कि एरिया डिवाइडेड बाय टाइम सेम रहेगा, कि अगर एरिया स्वेप्ट सेम है, टाइम भी सेम है, और इस रेशियो को क्या बोला, डीए बाय डीटी को, एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ये कांस्टेंट होता है अर्थ के लिए, तो सेकेंड लॉ यही बोलता है एरियल वेलोसिटी फॉर एनी प्लैनेट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें? इसके बेस पे इसका प्रूफ आएगा सेकेंड लॉ के बेस पे, और बहुत 99% चांस है ये पक्का आएगा आपके पेपर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो या तो क्वेश्चन आएगा प्रूफ केपलर्स सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, तो आपको याद आ जाएगा कि आपको प्रूफ करना है कि एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, या फिर आएगा एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज अ कांस्टेंट, ये तो पता लग ही गया कि क्या प्रूफ करने वाले हैं कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, या फिर आएगा प्रूव दैट डीए बाई डी टी इज अ कॉन्स्टेंट, तो ये भी पता लग जाएगा। और लिखो, और एक और क्वेश्चन आता है प्रूफ ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, प्रूफ ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम, प्रूफ ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक, प्रूफ ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये सबसे मुश्किल स्टेटमेंट है, ये नहीं पता कि प्रूफ क्या करना है, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस एंगुलर मोमेंटम, वो कौन से एग्जांपल में प्रूफ करें? तो केपलर, अब वो सैटेलाइट पे तो गया नहीं था, रॉकेट पे बैठ के देखने के लिए कि उसकी एरियल वेलोसिटी है कि नहीं, तो ये तो उसने ज्योमेट्री से प्रूव किया था, रोटेशनल मोशन को पढ़ के उसने प्रूव कर दिया कि प्लैनेट्स के अंदर ऐसा होता है और अभी तक चल रहा है ऐसा होता है, तो उसने भाई ज्योमेट्री प्रूव किया, तो जो और विद द हेल्प ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अगर ये क्वेश्चन आता है प्रूव ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट की बात हो रही है, याद रखना। इसको प्रूव करने से पहले एक नोट ध्यान से देख लो, अगर सन के आसपास अर्थ घूमती है तो, और टॉर्क क्या होता है, डीएल बाई डी टी, वेयर टॉर्क इज एक्सटर्नल टॉर्क, अर्थ को घुमाने के लिए हम कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाते, हम जाके तो नहीं घुमा रहे उसे, फोर्स टेंजेंशियल फोर्स हम नहीं दे रहे, उसकी इंटरनल ग्रेविटी की फोर्स है जो उसको खुद घुमा रही है, हमारी तरफ से एक्सटर्नल टॉर्क जीरो रहता है। और अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो, तो एल को क्या माना जाएगा, कांस्टेंट, एल वेक्टर इज अ कांस्टेंट। तो जब भी अर्थ घूमेगी सन के आसपास, वैसे इसके ऊपर डिस्कशन है नेक्स्ट टाइम, अभी के लिए याद करना है, जब भी कोई प्लैनेट अर्थ के आसपास सन के आसपास घूमता है तो उसका एल हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक। इसके ऊपर क्या डिटेल है बाद में बताऊंगा,
पर हाँ मैथमेटिकली ये तो समझ में आ ही रहा है कि अगर टॉर्क कांस्टेंट होगा तो एल तो वैसे ही कांस्टेंट है। तो इसका प्रूफ ऐसे लिखना है आपने कि फॉर अर्थ और एनी अदर प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो तो एंगुलर मोमेंटम इज अ कॉन्स्टेंट। तो फिर ये डायग्राम बनाना है जिसमें मान लो अर्थ रोटेट कर रही थी सन के आसपास, अ पार्ट ऑफ जर्नी बनाना है कि मान लो अर्थ यहाँ से यहाँ आ गई, उसका पोजीशन वेक्टर पहले आर वेक्टर था, उसने बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कवर किया डेल्टा आर वेक्टर, तो नया पोजीशन वेक्टर ट्राइंगल लॉ से ये रिजल्टेंट माना जाएगा इसका। तो ये रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर, और ये क्या आ गया एरिया स्वेप्ट, ये एरिया स्वेप्ट है। ठीक, तो इस केस में एरिया इज अ वेक्टर, याद रखना आपको सर एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे इसका एरिया क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ये होगा, ये इसका वेक्टर है कि एरिया की डायरेक्शन ये मानी जाती है, इनवर्ड्स नहीं होती आउटवर्ड्स होती है। इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ये होगा, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ये होगा। तो अर्थ अगर ऐसे घूम रही है तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर होगा ऐसे। ठीक, तो इसको और डिटेल डिस्कस भी करना है, एरिया वेक्टर भी टाइम के साथ समझ में आ जाएगा। तो एरियल वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट मुझे प्रूव करना है, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, डेल्टा ए वेक्टर हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो क्योंकि ये टेंजेंट की तरह काम कर रहा है, ये रेडियस के साथ एंगल क्या होगा इनमें 90, हाफ इनटू आर वेक्टर क्रॉस डेल्टा आर वेक्टर, इनटू मत करना क्रॉस है ये, क्रॉस क्यों, दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन क्रॉस डायरेक्शन क्रॉस में आएगा, वेक्टर आएगा, तो वेक्टर क्रॉस वेक्टर वेक्टर, क्योंकि एरिया इज अ वेक्टर तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। लिख लिया एरिया, टाइम से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ डेल्टा टी डेल्टा टी, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी क्या होता है वी वेक्टर, तो एरियल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला आ गया। मास से मल्टीप्लाई, मास से डिवाइड करेंगे इस न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को, मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है पी वेक्टर, आर क्रॉस पी आज सिखाया था क्या होता है एल वेक्टर। अब एरियल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला आ गया, जब प्लैनेट घूमता है सन के आसपास तो एल क्या होता है कॉन्स्टेंट, टू और मास भी क्या होगा कांस्टेंट, वो भी कांस्टेंट है, तो प्रूव हो गया कि एरियल वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट। ये स्टेप क्लियर है यहां तक, ये एनसीईआरटी के प्रूफ्स हैं, पर लगाते हुए बहुत इंटरेस्टिंग है, एनसीईआरटी के प्रूफ अलग तरीके के हैं, एंगुलर मोमेंटम बहुत इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट टाइम जो हम करेंगे उसमें मजा आएगा, मैं आपको इसको कैसे यूज करना है न्यूमेरिकल में वो सिखाऊंगा, और फिर आपको शीट दूंगा वो आपको नेक्स्ट टाइम क्लास में कंप्लीट करनी है।